दोस्तों, पृथ्वी को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो वो है उल्कापिंड। एक उल्कापिंड की टक्कर ने धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। ऐसे ही कई एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष में मौजूद है जो धरती के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे ही एक दुनिया में तबाही मचा देने वाले बेहद खतरनाक एस्ट्रॉइड की चर्चा इन दिनों जोरों पर है और इस एस्ट्रॉइड का नाम है बेनू। अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो इसकी टक्कर में 22 परमाणु बमों के बराबर तबाही मचाने की ताकत होगी। हालांकि ये उल्कापिंड पृथ्वी से कब तक टकराएगा इस बारे में अभी तक वैज्ञानिक मौन थे, लेकिन अब इसके धरती से टकराने की सटीक तारीख का पता लगा लिया गया है। बेनू उन दो उल्कापिंडों में से एक है जिन्हें हमारे सोलर सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में बना था और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सबूत भी दे सकता है। दरअसल उल्कापिंड उस कचरे को कहा जाता है जो 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद बच गए थे। ऐसे ही बेनू भी एक उल्कापिंड है जो धरती से 100 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है। ये उल्कापिंड 1650 फीट और 500 मीटर चौड़ा है। बता दें कि ये उल्कापिंड हर 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकल जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसकी टक्कर की सटीक तारीख का पता लगा लिया है जो धरती के लिए काफी चिंता का विषय है। डेली स्टार नाम की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार ये तारीख प्रलय की तारीख भी हो सकती है। हालांकि नासा ने इससे बचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। नासा इस प्रयोग में लग गया है कि किसी तरह से बेनू उल्कापिंड की दिशा में परिवर्तन किया जा सके। हाल ही में नासा का एक यान सोरेसिस रेक्स बेनू से मिट्टी और पत्थर का सैंपल लेकर धरती की ओर आ रहा है। संभावना है कि वो इसी महीने की 24 तारीख को धरती पर लैंडिंग करेगा। लैंडिंग उटाहा के ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान में किसी जगह होने की संभावना है। नासा के अंतरिक्षयान ओरेसिस रेक्स ने बेनू के पास करीब 2 वर्ष बिताए थे। ओरेसिस रेक्स को वर्ष 2018 में इसलिए भेजा गया था क्योंकि अमेरिका बेनू को लेकर काफी चिंता में था। अंतरिक्षयान 2020 में उल्कापिंड की सतह पर उतरने में कामयाब रहा। इसके बाद फिर इसने सैंपल लेना शुरू कर दिया। अंतरिक्षयान ने ये सैंपल उल्कापिंड की सतह से अपने रोबोटिक आर्म की मदद से एकत्रित किए थे। ओरेसिस रेक्स ने जो पत्थर और मिट्टी एकत्रित की है वे 24 सितंबर 2023 तक धरती पर लौटेंगे। ओरेसिस रेक्स से सैंपल लेकर आ रहा कैप्सूल एक मिनी फ्रिज के आकार का है। इसके अंदर 250 ग्राम मिट्टी और पत्थर का सैंपल रखा गया है। उसने बेनू से मिट्टी का सैंपल 2020 में लिया था, तब से वह धरती की तरफ यात्रा कर रहा है। ये कैप्सूल फिलहाल धरती की तरफ 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। जब यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तब यह लावा की गर्मी से दोगुने तापमान को बर्दाश्त करेगा। वहीं सैंपल लेकर लौट रहे नासा के कैप्सूल सोरेसिस रेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर रिस बर्न्स ने कहा कि बेनू के टकराने से जो नुकसान होगा वो बेहद खतरनाक होगा, लेकिन उसकी संभावना 2700 में से एक है। बेनू उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था, लेकिन अगर यह टकराया तो तबाही बड़ी होगी, चाहे जमीन से टकराए या फिर समुद्र में गिरे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के कई जीवों की आबादी खत्म हो सकती है। इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीबन 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीबन 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर यह समुद्र में गिरा तो तबाही ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी आसपास के द्वीपों और देशों में भयानक तबाही मचा सकती है। हालांकि नासा का मानना है कि अब से साल 2300 तक बेनू के धरती से टकराने के चांस 2750 में से एक है। आपको बता दें कि इसकी टक्कर 24 सितंबर 1182 में होने की संभावना है, यानी कि 159 साल बाद। इसलिए नासा इस पर लगातार नजर रखे हुए है।